नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। फाइनली वर्ल्ड में वो कौन सी पहली ऐसी कंट्री होगी जिसमें कि 6G टेक्नोलॉजी सबसे पहले कॉमर्शलाइज की जाएगी, और क्या प्लानिंग चल रही है 6G टेक्नोलॉजी को लेकर, और किन किन सेक्टरों में मेनली यूज़ किया जाएगा, और गवर्नमेंट कितना बजट लेके आई है 6G टेक्नोलॉजी के लिए, वो भी एक सबसे बड़ा सवाल बनता है। तो सबसे पहले उम्मीद यही लगाई जा रही है कि साउथ कोरिया लेके आएगी 6G टेक्नोलॉजी अपनी कंट्री के अंदर, मतलब साउथ कोरिया के अंदर, इंडिया के अंदर नहीं। यहाँ पे बात करी जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की तरफ से मेनली डेवलप्ड प्रोजेक्ट जो है वो नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क 6G टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलता है, और उसे पास कर दिया गया है वर्क के लिए। तो मेनली जो टोटल बजट है वो बहुत बड़ा बजट दिखाई देता है 6G टेक्नोलॉजी पे वर्क करने के लिए, मतलब उसके मल्टीपल इक्विपमेंट हो गए, जो भी एसेसरीज रिक्वायरमेंट होगी वो सब इस बजट के अंदर कंप्लीट की जाएगी। $440.73 बिलियन का आपको बजट देखने के लिए मिलता है 6G टेक्नोलॉजी के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा बजट है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है, लेकिन जो गवर्नमेंट नेशनल ट्रेजरी से प्रोवाइड करवाएगी वो $373.17 बिलियन प्रोवाइड करवाएगी। तो मतलब बात करी जाए तो अराउंड 70-75% जो है साउथ कोरियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है 6G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। और क्यों सबसे तेज भागने की कोशिश कर रही है, और इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इंटरनेशनल जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर है, जैसे कि भारतीय एयरटेल की भी बात कर सकते हैं, उन सब की मीटिंग करवाने वाली है वर्ल्ड में जो भी हो। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि उनसे रिक्वायरमेंट पूछी जाएगी 6G टेक्नोलॉजी को किस तरीके से विस्तार करना चाहिए, उनसे आइडिया ले जाएंगे, उसी पर मेनली वर्क किया जाएगा। 6G गियर से रिलेटेड बात हो या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात हो, या स्पेशली बात करी जाए तो फाइबर के अलावा और कौन सी टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर डेवलप की जा सकते हैं कि जिससे कि हाई स्पीड इंटरनेट आपको देखने के लिए मिले। क्योंकि यहाँ पे 1 Gbps की बात नहीं चल रही है 5G टेक्नोलॉजी जैसे, यहाँ पे चल रही है 1 TB 1000 GB/s की स्पीड, जो कि 6G टेक्नोलॉजी पे देखने के लिए मिलने वाली है आपको। यहाँ पे बात करी जाए तो 6G पे रिसर्च जो है साउथ कोरिया ने अराउंड 2021 में स्टार्ट कर दी थी, अब फाइनली डेवलप्ड करने के लिए जो साउथ कोरियन गवर्नमेंट कह रही है 6G कंपोनेंट 2024 से वो स्टार्ट कर देंगे बनाना, मतलब यहाँ पे पूरी रिसर्च कंप्लीट कर ली गई है किस तरीके से 6G टेक्नोलॉजी को सुपर फास्ट स्पीड से मल्टीपल सेक्टरों में वर्क करवाया जाएगा। यहाँ पे बात करी जाए तो जो कॉमर्शियली स्टार्ट करने का डेमोन्स्ट्रेशन है प्री 6G टेक्नोलॉजी को, वो 2026 में ही देखने के लिए मिल जाएगा अलग अलग सेक्टरों में। और स्पेशली बात करी जाए तो यहाँ पे सिर्फ साउथ कोरिया ही आगे नहीं भाग रही है, अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें, वो भी बहुत मोटा इन्वेस्ट 6G टेक्नोलॉजी के लिए कर रहे हैं। लेकिन उनके तरफ से कोई क्लियर डेडलाइन नहीं आई है कि वो 2026 या 27 या 28 तक लेके आएंगे, जैसे कि इंडिया की तरफ से एक डेडलाइन देखने के लिए मिलती है कि 2028 तक अराउंड वो अपनी 6G टेक्नोलॉजी पे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, 2030 तक आपको इंडिया में 6G टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिल जाएगी मल्टीपल सेक्टर में। लेकिन यहाँ पे ये नहीं क्लियर कहा गया है कि एंड कब तक आएगा, क्या 2032 तक 2035 तक 6G टेक्नोलॉजी स्टेबल हो पाएगी नहीं पाएगी, क्योंकि अभी 5G की बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा फैक्चुएशन देखने के लिए मिलती है इंडिया में। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग ये भी आती है, साउथ कोरिया जो है 6G टेक्नोलॉजी मेनली 5G एरिया में यूज़ करने का विचार बना रही है, और उसमें जो अपर मिड बैंड है वो भी अलग देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि जो सबसे पहले डेवलप करता है वो अपने क्राइटेरिया खुद सेट कर सकता है, क्योंकि अभी इंटरनेशनल मार्केट में कुछ नहीं है 6G टेक्नोलॉजी को लेके, तो इसलिए जो भी काम करना है अपने आप करना है तो वो किसी भी क्राइटेरिया में किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग बैंड फ्रिक्वेंसी अलग अलग कंट्री अपने अपने हिसाब से यूज़ करती है। जैसे कि बात करी जाए तो साउथ कोरिया जो है वो 7 GHz से लेकर 24 GHz तक मेनली वर्क करेगी 6G टेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन यहाँ पे रेंज जो है वो बहुत कम देखने के लिए मिलेगी, मतलब बहुत ज़्यादा आपको पास चाहिए होगा 6G टेक्नोलॉजी का बैंड जिससे कि आपको हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिल सके। मेनली जो वर्क किया जाएगा टेक्नोलॉजी, मतलब किस तरीके से डेवलप की जाए 6G टेक्नोलॉजी के लिए, कवरेज एक्सपेंशन की ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया है वो कवर किया जा सके 6G टेक्नोलॉजी से, और सॉफ्टवेयर सेंट्रलाइज नेटवर्क जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क, मतलब जो भी हमारी क्लाउडिंग सर्विस हो गई वो एक जगह ही सेंट्रलाइज नेटवर्क पर वर्क करती रहे, और मेनली एनर्जी सेक्टर में यूज़ करने का विचार बना रहा है, और सप्लाई चेन सिक्योरिटी
इन्हेंस, मतलब यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से जो भी कनेक्टिविटी है वो सब ज़्यादा से ज़्यादा 6G टेक्नोलॉजी पे देखने के लिए मिले। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 5 ही पूरे जो आपकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है या कॉमर्शियल रिक्वायरमेंट है पूरा कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस ये है कि स्टार्टिंग फेज देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे जो साउथ कोरिया विचार बना रहा है वो 6G टेक्नोलॉजी सबसे पहले लाने का विचार ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 6G जो भी इक्विपमेंट है वो अपने पेटेंट कर दें उन्हें, और कम से कम 30% शेयर जो है पेटेंट्स का वो साउथ कोरिया अपने पास रखे कि लाइफ टाइम तब तक 6G टेक्नोलॉजी वर्क करे, तब तक उसे उसका रेवेन्यू मिलता रहे। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यही होती है, आप फास्ट भाग रहे हैं, शायद गिर जाएं आगे चल के वो मैटर नहीं करता, लेकिन जितना भागेंगे उतना एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा मिलेगा और एक्चुअली जो रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से वर्क कर पाएंगे। वो बात अलग है, अभी फर्स्ट जनरेशन आएगा, जो भी चीज़ बनेगी सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन, इक्विपमेंट और ज़्यादा अच्छे होते चले जाएंगे, टेक्नोलॉजी और ज़्यादा, मतलब बात की जाए तो एक पॉइंट देखने के लिए मिल जाएगा कि और ज़्यादा शार्प होती भी चली जाएगी, तो उससे कहीं ना कहीं जो 6G टेक्नोलॉजी स्पीड है वो आने वाले टाइम में और ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है। क्योंकि आज हम 2023 में ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन 2028 तक क्या होगा वो अलग बायने देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन साउथ कोरिया का एक क्लियरेंस एंड देखने के लिए मिलता है कि वो 2028 तक अपनी 6G टेक्नोलॉजी साउथ कोरिया के अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे सवाल यही नहीं उठता कि 6G टेक्नोलॉजी बस 2 साल के बाद या 3 साल के बाद आने वाली है। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अभी मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया जाएगा, ऑटोमेशन पर ध्यान दिया जाएगा, 6G टेक्नोलॉजी के लिए इक्विपमेंट बनाए जाएंगे जिसपे कि अलग अलग सेक्टर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी ले पाएँ, और 6G टेक्नोलॉजी मेनली सेंट्रलाइज क्लाउड सर्विस के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, जिससे कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो महंगे शहरों में रहती हैं उन्हें मूव छोटे छोटे इलाकों में छोटे छोटी जगहों पे किया जा सके, कि जो भीड़ है वो एक जगह ना हो के जहाँ आप रह रहे वहीं पे आपको हाई स्पीड सर्विस और अच्छी जॉब प्रोवाइड करवाई जाए। 6G टेक्नोलॉजी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा डेवलपिंग कह सकते हैं कि नेटवर्क होगा, जिससे कि एक नई दिशा बात की जाए तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड आपको देखने के लिए मिलने वाली है, वो किसी भी फील्ड में हो, XYZ इंटरनेट तो आज की डेट में हर जगह चाहिए ही आपको। ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। धन्यवाद।